देख लीजिए अभी बारिश का मौसम है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम कहो। सबसे प्यारा आओ हम मिलके बोले, अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। Assistant Sub Inspector D.N. Namsa, Top Ralongham, First Airman Khonsa. We have platoon number 3, NCC Army Wings, Honda Bangsiang, second in command, Sri Kato Longnao. Platoon number 4, we have NCC Air Wings, Government High Secondary School, and platoon commander is Miss. Staff and guys, Government Town Secondary School Khonsa, Platoon Commander Gengam Damsa, Government Town Secondary School Khonsa, Platoon Commander Miss Noxen, Second in Command Miss Chamin Suyang, Platoon Number 8, Assam Rifle Public School, Platoon Commander 9, we have Scout from Christ King School Khonsa, Platoon Commander Sri Leon Kamwa, Second in Command Sri Katung Sosya, School Khonsa, Platoon Commander Miss Nomi Kako, second in command, and Platoon number 11, we have 10 Platoon from RKS and Khonsa. Once again, Parade Commander is Sub Inspector L. Kim Sing, PS Khonsa. Parade second in command by CM Namsa, first IRGN Khonsa. Yeah!
public address by today's chief guest. सभी को शुभ प्रभात। मंच में विराजमान तीन तिराप को हेत करके माननीय डिप्टी कमिश्नर, जिला केएसपी साहब, कमांडेंट असम राइफल, आगर पैरा मिलिट्री फोर्सेस, माय हार्ड वर्किंग एचओडीज, गांव बुराज, गेट पीसी और उसका सारा टीम, प्यारे मेंबर्स, एक्स सर्विसमैन, माताजी, माय डियर स्टूडेंट्स, फेलो कंटेंजेंट्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का भारत का इतिहास में बहुत बड़ा और रिमार्केबल डे हम सभी को मालूम है। 76 इयर्स पहले हमें आजादी मिला और आज हम 77th इंडिपेंडेंट डे के शुभ अवसर पर सबको मैं स्वागत करता हूं। आइए हम सब यहां खुशी उल्लास के साथ में ये त्योहार को, हमारे सबसे देश का बड़ा त्योहार यही है आजादी का त्योहार, उसमें जितना भी आम जनता शरीक हुआ है, मैं सबको मेरा दिल से, एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से, सरकार का तरफ से धन्यवाद देता हूं। और आज इस उपलक्ष में आजादी का ये 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में सबको शुभकामनाएं एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द पीपल एंड लविंग सिटीजंस ऑफ तिराप। इस दिन में मैं भी आप लोगों के साथ में थोड़ा सा समय लेके शेयर करना चाहता हूं। उससे पहले मैं आजादी के लिए जितना कुर्बानी दिया, हमारे फ्रीडम फाइटर जो जाना माना सब है, नहीं जान के भी बहुत है, अननोन हीरोज बहुत है, अनसंग हीरोज अरुणाचल में भी हम लोग ढूंढ ढूंढ के काफी मिला है, उन सबको मैं नमन करता हूं। सभी स्वतंत्र सेनानियों, जिस भूमि से भी निकला है, जिस माँ का कोख से निकला है, भगवान हमेशा उन सब का परिवार में रहे। यहां से भी, तिराप जिला से भी बहुत ऐसा हीरोस होगा जो हम लोग को दिल में रहेगा, जैसे हम पंत दादा, सबको मालूम है इस भूमि से जन्म दिया हुआ है, अभी वो मृत्यु नहीं हुआ है, वो हमेशा के लिए जिंदा है, जो हम सबको हमेशा याद करना चाहिए और उन लोग से प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए कि हम भी देश के लिए क्या कर सकता है। लड़ाई का मैदान में शायद सिपाही बन के नहीं जा सकता होगा, लेकिन हम खेती करके, बिजनेस करके, पढ़ाई लिखाई करके, अपना देश में सेवा में भाग लेके, छोटा बड़ा आदमी सब एक ही भाग लेके भारत को आगे बढ़ा के ले जाने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। अरुणाचल को, तिराप जिला को, या अपने आप को सुख शांति का साथ में भारत माता का नाम लेके हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रखने के लिए तैयार है। प्रगति के रास्ता पे भारत कहां से कहां पहुंचा है, कल पृथ्वी चंद्रयान लॉन्च किया, अभी और पहुंचने वाला है मून में, इतना अगर आकाश में हम यहां बोलेंगे सरल शब्दों में गांव वालों को, तो आकाश ही बोलेंगे हम मून को,
जो मुंतो भारत का साइंटिस्ट जाने के लिए तैयार है, जाके देखा है अभी, और कितना कितना चंद्रयान आज वहां कल परसों लॉन्च किया। अलावा बाकी सुख सुविधा गांव गांव तक पहुंचाने के लिए मोदी जी पूरा व्यस्त है, वचनबद्ध है। अभी हम यहां आएंगे और अरुणाचल सरकार पेमा खांडू जी और सोना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में कुशल पूर्वक पूरा आगे बढ़ाते लेके जा रहा है। सोशल सेक्टर से लेके आधुनिकरण जैसा ई ऑफिस चलने तक, अभी ट्रांसपेरेंसी, हम कंप्यूटर का युग है, बैठ बैठ के काम करने के लिए अभी सरकार लागू किया। डिप्टी कमिश्नर साहब या कोई भी सरकार का काम हो, हम अपना काम हो घर में बैठ के भी कर सकता है। वो जमाना अब अपना हाथ में है, इसलिए अरुणाचल सरकार अभी 60 साल खांडू जी का नेतृत्व में चल रहा है, उसमें काफी हम उन्नति आगे बढ़ रहा है। कस करके जान तक दिया तो हम लोग धूप हो, बारिश हो, हम लोग टिके रहेंगे और भारत माता का नाम गुण गाएंगे। लेकिन आज अभी ईश्वर हम सबका प्रार्थना पर सुना है, अभी शांत हुआ है, अभी अच्छा वेदर दिया है, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने के लिए दीजिए और आप लोग सब्र से और मेरा आग्रह है सुनेंगे। पूरा सारा भारत आजादी का अमृत महोत्सव 2021 से लेके मनाते आ रहा है। भारत सरकार वचनबद्ध है, अभी हम अमृत काल का अनुभव करेंगे, उसके लिए हम जन जन को काम करना है। प्रधानमंत्री जी से लेके हम पूरा किसान तक साथ साथ हाथ मिलके काम करेंगे तो अमृत काल हम सबको जल्दी मिलेगा, अभी भी हम लोग को मिल रहा है। अभी अरुणाचल सरकार का काम कुछ थोड़ा मोड़ा में गिनाना चाहूंगा, ताकि हम सबको भी और सरकार को क्या करना चाहिए आगे भी हम लोग बताते जाए, सरकार को सूचित करें और सरकार आगे जनता के हित में, देश के हित में काम करे। बहुत बड़ा जो हमारा उन्नति के लिए, काम के लिए, डेवलपमेंट के चाहिए वो धन चाहिए। वो धन सरकार 60 साल पेमा खांडू जी का सरकार आने के बाद में ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP बहुत आगे बढ़ चुका है। जब मैं भी नया नया गया था असेंबली में, तब हमारा बजट था, मुझे अभी भी याद है, 12,000 करोड़। लेकिन अभी वो बजट 40,000 से ज़्यादा बजट आ चुका है। अगर हम थोड़ा सा बजट में जाएंगे, GSDP भी बढ़ा है, इससे तो बजट भी बढ़ा है। तो ये सरकार टीम अरुणाचल और यहाँ भी टीम तिराव रेवेन्यू सेक्टर में, GST कलेक्शन में, और सरकार को कोऑपरेट किया है, पब्लिक भी हमको साथ दिया है, इसलिए तो ये GST भी बढ़ा है और बजट भी बढ़ा है, जिसका वजह से आज हमको हर एक क्षेत्र में प्रगति का रास्ता, प्रगति का कामकाज देख रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जहां जहां पहले था नहीं, अभी है। अभी एयरटेल का टावर हो या BSNL का टावर हो, काफी गांव गांव तक लग चुका है, ताकि हम लोग डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो पूरा हो। इसलिए हमें मोटा मोटी यही जानना है, यही मैं भी आप लोग को बताना चाहता हूँ। अरुणाचल सरकार अभी IT सेक्टर से लेके गांव में जो सोशल सेक्टर को काम कर रहा है, जन जन का सब आदमी को, एक एक को डिपार्टमेंट से लेके गांव का पंचायत को, गांव वाला को, किसान को वो लाभ देख रहा है, मिल भी रहा है। भारत में भी हम लोग का पोजीशन है, बाकी डेवलपमेंट बहुत आ गया है। हेल्थ सेक्टर में अगर कहेंगे, आज ट्रिम्स का साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अभी कौन सा का बारे में सोचिए, मैं यहाँ के बोलूंगा, एक एक जो जो वहां से लागू हॉस्पिटल को अपडेट किया। हमारे जिला अस्पताल जनरल हॉस्पिटल अपडेट हो चुका है। इसी साल अंत में, मुझे विश्वास है, इसी साल हम सभी को
जिला वासियों को पूरा जनता को ये हॉस्पिटल का लाभ मिलेगा। चीफ मिनिस्टर हेल्थ एश्योरेंस का स्कीम का तहत देता है, उसका लाभ हमको सभी को लाभ उठाना चाहिए। हम लोग लाभ है लेकिन जानते हुए भी उसको लाभ हम नहीं उठाते हैं, वो हमारा गलती है, सरकार का गलती नहीं। इसलिए मैं अभी भी इस मन से पूरा जनता को ये कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, ये हेल्थ कार्ड जो है, चीफ मिनिस्टर एश्योरेंस हेल्थ एश्योरेंस कार्ड जो है उसका लाभ उठाना है। नहीं तो पीएम हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी है उसको भी ले सकता है, लेकिन पीएम हेल्थ इंश्योरेंस वाला सिर्फ बीपीएल वाला को मिलेगा, बाकी सीएम हेल्थ इंश्योरेंस वाला पूरा हम सभी को मिलेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको मिलेगा। दूसरा पावर सेक्टर में मैं कहना चाहूंगा, अभी अरुणाचल में पावर सेक्टर में काफी बदलाव आ गया है। अभी अरुणाचल का बारे में नहीं कह के मैं उसी का लाभ यहां तक पहुंचा है, मैं कहना चाहूंगा अपना जनता को, अभी टावर लाइन जो आ रहा है, पावर ग्रिड का जो अभी आ रहा है, अभी लाइन बिछा रहा है, लगा रहा है, और उसके अलावा भी हमें खुशी होना चाहिए। थोड़ा पहले मिलना था लेकिन अभी मिला, गांव गांव को भी मिलेगा, लेकिन सबसे प्रथम हमारा सरकार का, मेरा खुद का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पावर डिपार्टमेंट का यही इच्छा है। ये आरडीएसएस स्कीम का तहत ये जिला को 40 करोड़ रुपया मिल चुका है, अभी टेंडर हो रहा है, जिसका तहत पूरा टाउन में जितना भी टूटा फूटा है, जितना भी जहां तहां डेंजर जगह है, उसको हम रिनोवेट करेंगे। मेरा इच्छा है, डिपार्टमेंट से हम बात कर रहा है कि ये टाउन का जितना हो सके हम केबलिंग करेंगे, केबल का सिस्टम का द्वारा हम इसको इलेक्ट्रीफाई करेंगे। जहां पे हम टीवी तक तो देख नहीं सकता था, अभी अगर असम से अगर लाइन आता है तब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं मेरा अपना पूरा ये पिछले 7-8 साल में पूरा करीब करीब मेरा अपना यहाँ धनराशि से, जनता का धनराशि सरकार से कम करीब करीब 7-7 करोड़ का जैसा खर्चा किया पूरा इस सेक्टर में। इसलिए अभी कौन सा टाउन को, या इवन कौन लाजो, इवन सी के बेल, इवन और डाडम, इवन ये बॉर्डर रेंज सब यहाँ से कवर होता है, सब अभी कम से कम हल्का हो रहा है। लेकिन ये अभी कुछ कुछ जगह में नहीं पहुंच पाया होगा, कठिनाई होता होगा, उसको अभी जब आर डी एस एस का स्कीम जब लागू होगा, टाउन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जब टावर पावर ग्रिड वाला काम खत्म हो जाएगा, इसका पावर सेक्टर का जो कमी था पूरा भरपाई होगा, उल्टा हमारे लिए एक्सेस रहेगा। दूसरा हम सबको अभी अभी चाहिए, हर एक घर में चाहिए। अगर चावल नहीं है एक दिन रह सकते हैं हम, लेकिन पानी पीने का बिना हम एक दिन नहीं रह सकते हैं। इसलिए भारत सरकार जल जीवन का मिशन का तहत गांव गांव में पहुंचाया, अभी टाउन को पहुंचाना चाहिए। अभी अरुणाचल में भी सिर्फ 10 गांव को, 10 जगह को सिलेक्ट किया है जो अर्बन टाउन को, जिसमें मैं भी आप सब भी खुद कस्पति है कि सरकार यूडी मंत्रालय मुझे पूरा ये तिरप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए जेजेएम का तहत पानी का और दूसरा प्रोजेक्ट मुझे मिला, वो भी अभी टेंडरिंग प्रोसेस में जाएगा, थोड़ा देर में, थोड़ा 1-2 महीने में कंप्लीट होगा। उसको आते ही पूरा अभी थोड़ा कमियां है पानी का, वो पानी अभी खुन सा टाउन को आप लोग को पूरा भरपूर पानी मिलेगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन इसमें जनता का सपोर्ट चाहिए, जनता का कोऑपरेशन चाहिए, सरकार को, डिपार्टमेंट को। हम पर जहां से पानी खींचेंगे, जिस जगह में भी बनाएंगे WTP, उसमें पूरा हमें सहयोग देना पड़ेगा। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये आग्रह करूंगा कि जहां जहां हम लोग प्रपोज किया है उस जगह में तकलीफ ना हो, ताकि पूरा डिस्ट्रिक्ट को, ये पूरा हेडक्वार्टर को पानी मिले। सरकार गेम्स एंड स्पोर्ट का तहत कितना कितना आगे बढ़ा है, मुझे खुशी है ये कहते हुए। तिरप तो बहुत आगे है, ये खेल कूद में हमारा बच्चा बहुत आगे है। इसलिए तो नेशनल चैंपियनशिप, इवन इंटरनेशनल में कोई कोई गया है। गर्व के साथ में मैं कहूंगा ये तिरप डिस्ट्रिक्ट एनर्जेटिक है हमारा यूथ, उसमें ध्यान और देना चाहिए। और जो जो अभी चल रहा है हमारा पूरा सभी का चिंता है, अभी ड्रग्स एंटी सोशल एक्टिविटीज बहुत चल रहा है, उससे हम बच के रहना चाहिए।
मेरा भाई और बहनों, जितना यूथ है अब सबके लिए मेरा खास आग्रह है, खेल कूद में ज्यादा जुड़े और ये जो एंटी सोशल एक्टिविटीज है, जहाँ जहाँ ड्रग्स है, जहाँ जहाँ एंटी काम है सोसाइटी के लिए, वो सब छोड़ के पूरा हम पढ़ाई का साथ साथ अपना हेल्थ को बनाए और गेम स्पोर्ट में हम आगे बढ़े। इसके लिए तिराप एकदम अच्छा जगह है, इसलिए स्पोर्ट ऑफिसर यहाँ मोमको आने का बाद में काफी आगे बढ़ा है। मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर को भी मेरा दिल से धन्यवाद देता हूँ और एनकरेज करता हूँ, आप काम करते रहे, ये डिस्ट्रिक्ट पूरा आगे इंटरनेशनल गेम्स तक जाना चाहिए। लेकिन अभी जैसा मैं कहा, संभरने के लिए हम आदमी को थोड़ा कमजोर महसूस होता है, चाहे धूप हो बारिश हो, इसलिए अभी भी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। टूरिज्म सेक्टर में अभी हाल ही में लास्ट ईयर भी ना इसी कुछ 5-6 महीना हो गया, टूरिज्म सेक्टर में तिरप को कैसा आगे बढ़ाया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का विधायक जितना भी पहले भी जितना भी अरुणाचल असेंबली में उठाते रहा, टूरिज्म सर्किट में टूरिस्ट सर्किट में तिरप लोंगडिंग चांगलांग को ऐड करना चाहिए, ताकि टूरिस्ट आ सके, फॉरेन से आ सके, बाहर से भारत से आ सके, ताकि यहाँ भी टूरिज्म सेक्टर बढ़ने का साथ साथ मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना और हम लोग को बाहर दुनिया से जुड़ना, तो वो रास्ता भारत सरकार खोल जाए। इसके मेरा यहाँ भी यूथ है उन सबको भी मेरा ये अनुरोध है, आग्रह है, आप सब टूरिज्म एक्टिविटीज में भी आगे बढ़े और गांव गांव में जितना भी एंटरप्रेन्योर है वो भी टूरिज्म सेक्टर में हम कैसा करने से आगे बढ़ना चाहिए वो अपना आप थोड़ा विचार करके कहाँ का टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है वो एक्सप्लोर करें। भारत का संविधान में इंडिपेंडेंट मिलने का बाद जो जो संविधान में बना है वो हम कानून को मान के चले, और हमारा दिमाग में ये रहे कि हम भारत का आगे बढ़ाने के लिए असली इंडिपेंडेंट होने के लिए असली इंडिपेंडेंट का मकसद क्या था वो सभी आदमी का मन में हो। इसलिए हम जो सच्चा द इट्स ट्रू एसेंस ऑफ फ्रीडम जो है वो आप एक एक जन को शक्ति मिलना चाहिए। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, लेट अस रिमेंबर दैट द ट्रू एसेंस ऑफ फ्रीडम लाइज इन द एम्पावरमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। कोई भी धर्म का हो, कैसा जाति हो, कहां से कमजोर हो, शक्तिशाली आदमी हो, या कोई धर्म का भी हो, कोई जाति का भी हो, हमें सब आजादी का महत्व मीनिंग वही है कि हम सबको पूरा सोचने का शक्ति मिले। आने वाला समय में हम अपना अपना जगह में भारत का एक एक सिटीजन आगे बढ़ने के लिए ठान ले और ये हमेशा हमारा झंडा को ऊंचा रखे। लास्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक द पुलिस अंडर एसपी तिराप एंड अवर पैरामिलिट्री फोर्सेस अंडर कमांडेंट असम रेफर सीआरपीएफ फॉर मेंटेनिंग पीस इन दिस रीजन। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट वी आर रेसाइडिंग इन द एरिया वेयर सम प्रॉब्लम्स आर देयर, but then it is with the unity of the security forces, the cooperation of the administration, the police and the public that this district can go long way in peace and prosper in days to come. Abhi saath mein mera ek ek aadmi district administration ka saath mein, police administration ka saath mein, hamara Assam Rifles CRP jitna bhi hame hum sab ko raksha karne ke liye beta hai, jinka wajah se hum log shanti mein सो सकता है, काम कर सकता है, हमेशा सरकार का साथ में साथ दे, अच्छा काम में सिर्फ लगाए अपना दिल, खराब काम से दूर रहे और हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपना सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए खुद को पहले आगे बढ़ाए, खुद को पहले साफ सफाई रखे, मन को हमेशा स्थिर रखे और हमेशा भाईचारा बना रहे, वही हमारा देश का इच्छा है।
ये झंडा का इच्छा है, हम सब का इच्छा है। तो हम इतना ही कह के सबको मैं वन सेकेंड अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय अरुणाचल, जय भारत। के सामने दे सकते हैं इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट जीबी कोर्ट एंड पेज, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा श्री वंचत सुम्बा जीबी फॉर हुंगान विलेज अंडर द कोर्ट और पेज, रिसीव कर लीजिए। दूसरा है श्री रानहंग वनहोप जीबी फॉर ऑल जामिया अंडर बारी बासी सर्कल। आप दोनों खुश नसीब है कि आज जैसे शुभ अवसर पर आप दोनों को रामपुरा का अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। Culture Community Security Camp by students of Government Town Secondary School for Law. ये जो हम अब पहना था ना लास्ट टाइम, लेकिन ये वांचों का है। मेडिकल पार्टी ना हेल्थ डिपार्टमेंट एमएलए चार को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेगा। नहीं हो रहे अभी असेसमेंट चल रहा है।
अभी गांव गांव में और टेस्ट कैसा है एसपी सर, कैसा लग रहा है आप जो खा रहे हो? बर्फी है? अरे बर्फी नहीं, ये सेल रोटी, सेल रोटी। अच्छा, ये बर्फी भी बहुत अच्छा था, प्राइवेट ये मस्ट ट्राई। अच्छा, सेल रोटी ये हमें खाना लेता हूँ, ये खाना पड़ेगा। तो ये मिलेट का सेल रोटी, सेल रोटी बोलते हैं, ये खा रहा हूँ मैं, ये बढ़िया है। अच्छा, हम लोग का स्कोप है बढ़ाने का, मैंने एरिया एक्सपेंशन के लिए हम लोग का स्कोप है। खाली अभी तक तो हम लोग का अपना ओन कंजम्पशन में ही सीमित है सर, तो ये जो आप जो बोल रहे हैं सर, हम लोग का उस तरफ में भी कुछ कंसाइनमेंट चला जाने से है एक मतलब सॉर्ट ऑफ ये जाएगा मेरी पॉजिटिव से। हम लोग का क्या खाया है मैडम? ये सेल रोटी। और बेटा कुछ खाया? ये भी मिनट का पोटा है, आपको शेयर करूँगा। सर तो आप अभी एग्रीकल्चर स्टॉल में हैं, मिलेट्स का ऊपर में क्या कहना चाहते हैं सर? मिलेट यहाँ का सबसे स्टेबल फूड था पहले, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया प्रोडक्शन, लेकिन इसी साल हम भारत सरकार को खुशी से धन्यवाद देना चाहता है यार। मिलेट ने मेरा ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट तिरप डिस्ट्रिक्ट को भी एक तो मिलेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया, इसलिए हम अभी से मिलेट प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इवन जो सरकार स्कीम सब्सिडी दे रहा है उसका तहत भी हम इसमें ध्यान दे के आगे इवन कॉमर्शलाइज करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ का जितना भी इनकम सोर्सेज है उसको भी बढ़े, लिविंग स्टैंडर्ड भी इसी से हो, और खाने में भी ये शुगर फ्री टेस्टिंग क्या हुआ है, तो इसको सब यहाँ से यहाँ का जनता भी इसको सेवन करे और बाकी देश को भी दुनिया को भी यहाँ से एक दिन भेज सके, वही कामना है मेरा। थैंक यू सर। ये हॉर्टिकल्चर। वेलकम सर। ये लड़का हमें लाजू में ये लड़के बड़ा नहीं होगा, ऐसे ही पाइनएपल सब उससे पोटोंग विलेज से या तो जो तो जंग जंग मोड़ा को जो हम नंबर रहा। हाँ, ये मेरे में जो कार है ऑफ मैडम ने पाइनएपल बचा के थोड़ा खाने वाला अब जब मेहनत से खड़ा हो जाएगा। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ये अनंत का हुआ ठीक है ना भैया, ये लेकिन एकदम सोच लीजिए यहाँ का जैसा ही है अवेलेबल है।
हम लेगा इंटरप्रेन्योर आएगा। हेलो मैडम, आपका डिपार्टमेंट तो नया डिपार्टमेंट है और बहुत अपने को अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग का जो डिपार्टमेंट है उसमें कैसे कैसे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और आप आपका डिपार्टमेंट जो है क्या चीज़ में माहिर है? सर, हम लोग का अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, तो मेनली हम लोग मतलब जो रूरल वीमेन है उन लोग को साथ में ला के सर हेल्प ग्रुप बनाते हैं इन डिफरेंट विलेजेस। अभी करेंटली हम लोग का 157 SHGs बन चुका है और अभी मतलब फ्रॉम 17 अगस्त विल बी कवरिंग बोधरिया ब्लॉक ऑल्सो। अच्छा, बोट सर्वे ग्रुप में मेल और फीमेल? नो, ओनली वीमेन, सिर्फ वीमेन होगा। तो विलेजेस का जो वीमेन है उनको हम लोग ग्रुप में ला के उन लोग का जो अभी ऑलरेडी उन लोग एक्जिस्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको और मतलब कैसे बूस्ट करना है, उसको कैसे प्रमोट करना है, जैसे सर लोग ने बताया मार्केटिंग का कैसे हम लोग लिंक कराना है ना, उसमें हम लोग फोकस करें। अच्छा, टेक्निकल हाउ नाउ तो आप लोग इम्पोर्ट करते हैं ट्रेनिंग ना? क्या? जी सर। अच्छा, उसमें ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग होगा शायद ना? ऊपर में और फेडरेशन बनेगी, जैसे कि हम लोग प्राइमरी लेवल फेडरेशन बोलते हैं, तो उसका थ्रू से जैसे कि अभी ये एक दो स्कीम है ये सरलम काउंटर में, वन इज अरुणाचल ग्रांट सर, 2 lakh जो ग्रांट पेड है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और 4.5 lakh सपोर्ट जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है वो इंटरेस्ट फ्री लोन पर सरलम से और रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो बैंक से होगा, क्योंकि आप लोग भी एक ही है में हमका मेरा प्रोडक्ट ना सर, ये पेमा खंड सी एम साहब को भी जा चुके हैं, जमी भी रखा बनाने। अच्छा सर, ये डिपार्टमेंट को अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपका गवर्नमेंट की तरफ से क्या सेवा कर सकेगा सर ये डिपार्टमेंट को? गवर्नमेंट तो बैंक का तरफ से तो सेवा हो रहा है जो सब्सिडी में उनको लोन मिलेगा, बाकी ये लाइवलीहुड मिशन का तरफ से भी कुछ कुछ ट्रेनिंग इम्पार्ट करने का साथ साथ सब्सिडी देता है जी सर। उसका सर मैं तो अभी ये मैडम का सर में डिस्कस कर रहा है अपना पर लोकेलिटी में जो हम लोग गवर्नमेंट के तरफ से या अपना लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से भी हम एक एक जन को तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ग्रुप ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे सोसाइटी तो मदद कर पाएगा मेरा ख्याल से, क्योंकि ये तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट ये अपलिफ्टमेंट करने के लिए बात है, तो इसमें कोई सब आदमी कोलेबरेट करके ही आएगा। और दूसरा एक तो समस्या ये रहेगा जब प्रोडक्शन होगा तो वो आउटलेट कहाँ करेंगे, मार्केटिंग कहाँ करेंगे, इसमें सरकार को पॉलिसी बनाने साथ साथ जो एजेंसी है वो ध्यान दे के सरकार को इसका बारे में बताना है। खास करके मिलेट को मिलेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है तो ये मिलेट को प्रमोट करना है, अभी आत्मनिर्भर स्कीम में एग्रीकल्चर में ये कहा पूरा इसी को दे देना है ताकि पूरा मिलेट डिस्ट्रिक्ट का जो डिक्लेयर किया वो मीनिंगफुल रहे, अचीवेबल। जी सर, तो सर आपका ये जो है ARSRLM अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो सेमी गवर्नमेंट है या पूरा गवर्नमेंट है? कसी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट एजेंसी है। अच्छा अच्छा, तो ये मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा अच्छा,
उसका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट NRLM जो एक्टिविटीज है अरुणाचल में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अरुणाचल स्टेट रूरल अफेयर मिशन ये एक एजेंसी है, खासी गवर्नमेंट एजेंसी। अच्छा, यहाँ का जानकारी के लिए सर आपका डिजिग्नेशन और आपका शुभ नाम? तो मेरा नाम तोगा तारा, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग। थैंक यू सर। दौरान जो भी विक्टिम्स हैं उनको भी दिया जाता है सर, फ्री लीगल काउंसलिंग, फ्री लीगल एडवोकेट्स एंड ऑल सर। तो हमारा सर मोटो वही है सर, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल सर। तो जो हमारा न्याय है सर, सबके लिए बराबर होना, सबके लिए समान होना सर, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है सर। लगाया गया है इस स्थान में। सबसे पहले यहाँ पर हमने हेल्पडेस्क लगाया हुआ है, क्योंकि स्वच्छ संघ रेफल भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत है। आज के दिन में यहाँ पर डेस्क के माध्यम से हमारे जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं को हम हर संभव हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो भी भूतपूर्व सैनिक आए हुए हैं, अगर उनकी कोई समस्या है तो अपना डायरी में एंट्री करेंगे, स्वच्छ संघ रेफल उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। उसके पश्चात इस दिन में जो भी शिक्षा संगठन द्वारा विराट जनपद के उत्थान के लिए कार्य किए गए हैं उनके वीडियो, जिसमें शिक्षा संगठन द्वारा यहाँ के 9 लोकल स्कूलों में कंडक्ट कराया गया, जिसमें कि मैट्रिक जो होता है उसके लिए एज लिमिट 15 से लेकर 16 साल होती है, क्लास 9th में एज लिमिट 13 से 14 साल होती है और क्लास 6th में 10 से 11 साल एज लिमिट होती है। सैनिक स्कूल के लिए भी क्लास 6th में और क्लास 9th में एडमिशन कराया जाता है, क्लास 9th में एडमिशन के लिए एज लिमिट। Thank you, sir.